जब इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे तो उसके बाद हिमाचल में राजनीतिक भूचाल आएगा। मैं समझता हूँ जितनी स्टेटमेंट जयराम जी दे रहे हो भूचाल उनके लिए जा रहा है। 2021 से लेके जब आपके उपचुनाव हुए थे उस वक्त भी बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही थी, सरकार उनकी थी, इन्होंने पार्लियामेंट की सीट भी हारी। चलो ये अलग विषय कि वर्तमान में क्योंकि ये मोदी जी के नाम पर इनको वोट पड़े हैं, लेकिन अगर आप इक्कीस की बात करेंगे जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे, तीनों आपकी स्टेट के बाई इलेक्शन हारे, चाहे वो मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात थी। 22 में हर तरह से इन्हें पूरा एक तरह का प्रेस्टीज बना दी थी, पूरे राष्ट्र की ताकत भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में लगाई, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छे बहुमत के साथ 40 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी और कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और अच्छे तरीके से हमारी सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार कार्य कर रही है, जो उनको बच नहीं रहा। और ऑपरेशन लोटस करके इन्होंने हमारी चुनी हुई सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया और वो भी हिमाचल में देवभूमि आकर फेल हुआ, जो उनका क्रम दक्षिण के कर्नाटका से प्रारंभ हुआ था, चाहे मध्य प्रदेश था, गोवा था, मणिपुर था, आपके बिहार था, वहाँ पर भी नीतीश कुमार जी ने हमारे लाइन सिलेक्शन लड़ा, बाद में उनने अपना, मैं समझता हूँ, लाइन्स पार्टनर बदल दिए। हर जगह इनका प्रयास सफल हुआ है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है, देवभूमि है, न्याय मिलता है। राष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित आपके पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए जहाँ उनको जीत हुई है, लेकिन जहाँ विधानसभा जो हमारा 34 का बहुमत रह गया था इस हॉर्स ट्रेडिंग के बाद, वो बढ़कर आज 38 हो चुका है और हमें पूर्ण आशा है कि 3 सीटें ये भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और ये हमारी संख्या 38-41 पहुँचेगी। 22 मार्च को 40 सीटें मिली थी, हमें पूर्ण आशा है कि 3 सीटें जीतने के बाद हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन हिमाचल सरकार को और मजबूत करेगी और हमारी संख्या बल 41 पे पहुँचेगी।